हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये व्लॉग मेरा बहुत दिनों के बाद डल रहा है। इसके कुछ रीज़न्स हैं। एक तो रीज़न ये है कि मुझे टाइम नहीं मिलता और मेरा बेबी जो है थोड़ा व्लॉग्स को एडिट भी नहीं करने देता, और कुछ और रीज़न्स भी हैं। लेकिन फाइनली आज मैं ब्लॉग बनाने में सक्सेसफुल हो गई। और कुछ दिनों पहले मैंने इन दो जगहों की वीडियोज़ और फ़ोटोज़ अपलोड करी थी, तो आप सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि इनकी लोकेशन कहाँ है, और आप सबको ये जगह पसंद बहुत आई थी और कुछ लोग जाना भी चाहते थे मैंने, तो इसीलिए मैंने फिर आप सबके लिए ये वीडियो बनाई है। और आई होप आप सबको पसंद आएगी। प्लीज़ एंड तक ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बनाने में और एडिट करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, बिकॉज बेबी मेरा बनाने नहीं देता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इस दिन क्या हुआ था कि संडे को हम लोग सुबह सुबह उठ गए थे और मौसम बहुत प्यारा था, ना ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी भीनी भीनी, तो हमने सोचा कि हम कहीं घूम कर आ जाते हैं। तो बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे थे कि एक जगह है मोहन शक्ति पार्क करके सोलन में, तो वहाँ पर हम जाना चाहते थे। बहुत दिनों से सोच रहे थे पर टाइम नहीं लग रहा था, तो इस संडे को हम फ्री थे तो हमने सोचा चलो जा आते हैं, बिकॉज सैटरडे को मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर रखे थे। सैटरडे को मेरे हस्बैंड को छुट्टी थी, तो सैटरडे को मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए थे, तो संडे मेरा एकदम फ्री था। तो संडे को फिर हम लोग सुबह तैयार व्यार होकर पहुँच चुके हैं मोहन शक्ति पार्क। मोहन शक्ति पार्क जो है, मुझे हमें परवानों से लगभग 2 से 2.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि मौसम भी थोड़ा उस दिन ख़राब था। अब मोहन शक्ति पार्क का अपने गूगल मैप्स में या अपने किसी भी मैप में डाल लीजिएगा तो आपको लोकेशन मिल जाएगी इसकी। थोड़ा रास्ता जो है आगे बिल्कुल इसके मोहन शक्ति पार्क के पास से जाके थोड़ा सा ख़राब मिलेगा आपको, तो वहाँ से आप थोड़ा सा प्रिकॉशनरी रहिएगा, बाकी रास्ता जो है अच्छा है। तो ये हम पहुँच चुके हैं मोहन शक्ति पार्क में। आपने पीछे पार्क देखा होगा कितना अच्छा था, और ये पार्क जो था ये पार्क ऐसा बना हुआ था कि बीच में सारे जानवर थे, इनके बहुत पशु थे, और इनके सेंटर में पशुपतिनाथ जी की बनी हुई थी एक बहुत बड़ी प्रतिमा, और लोकेशन भी बहुत प्यारी थी। हालांकि जो फर्श था वो गरम गरम हो रखा था और पैर भी जल रहे थे। तो नीचे हम लोग जूते खोल के आगे ऊपर मोहन शक्ति मंदिर की तरफ। ओ माय गॉड, क्या मंदिर बनाया हुआ है, मतलब ऐसी मूर्तियाँ, ऐसा मंदिर मैंने आज तक इंडिया में नहीं देखा। जितने मैंने देखे हैं मतलब उन हिसाब से मैंने नहीं देखा है। ये बिल्कुल ग्रीक स्टाइल का मेरे को इनकी मूर्तियाँ और ये सब कुछ लगा, लेकिन जो मेन मंदिर है उसके अंदर कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जब स्टेयर्स जो स्टेयर्स की साइड पे, जो सीढ़ियों की साइड पे बने हुए हैं वहाँ पे, मतलब जो हमारे पुरातन इंडिया में जो जो भी हमारे वर्ण थे, वर्णों के हिसाब से लोगों को बनाया गया, जैसे ब्राह्मण है, फिर जो पंजाब के ब्राह्मण थे, तमिल के ब्राह्मण थे, ऐसे ऐसे करके सारे लोगों को जैसे जैसे वो दिखते थे, जैसे जैसे उनका पहनावा था, वो सारा स्टेयर्स के ऊपर ऐसे बनाया गया था। और भी बहुत कुछ बनाया गया था जो मुझे अच्छी तरह से नहीं पता है क्या क्या था वो, कौन कौन थे वो। और ये यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा छत का, ये देखिए कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कोई बैठे हुए हैं, कौन थे मुझे नहीं पता। और ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छा बनाया हुआ था। और जैसे हम मंदिर के अंदर पहुँचे, बहुत ही अलग सिनेरियो था वहाँ पे। मंदिर की हर एक दीवार पे कुछ ना कुछ जो हमारी हिंदू हमारी पुरातन हमारी संस्कृति में हो रखा है, जो हमारी सनातन जो हमारे धर्म में जो कुछ भी हो रखा है, वो सब कुछ अंदर दिखाया गया था। इतने अच्छे तरीके से उसका वर्णन किया गया था, सारे चित्र दीवारों पर इतने अच्छे से बनाए हुए थे, चाहे वो फिर माता पार्वती का सती होने का चित्र हो, या फिर राक्षस हो, महिषासुर हो, या अणुकणु कोई भी राक्षस हो, उनके वध का सब कुछ इतने अच्छे से वर्णन किया हुआ था, पूरा इतना अच्छे से बनाया हुआ था। इवन के मंदिर के छत पे भी बहुत कुछ बनाया हुआ था, देवी देवताएं, आई थिंक सारी देवी देवताएं इस मंदिर के अंदर कवर कर दिए होंगे इन्होंने। और अंदर मूर्तियां जो थी, मैं उनका मतलब क्या बताऊँ आपकी, उनकी सुंदरता आप देख के आपको जाके देखनी पड़ेगी, कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत मूर्तियां उन्होंने बनाई हुई हैं। आई वॉज ऑल स्ट्रक रियली। और उसके बाद यहाँ से हमें दिख रहा है थोड़ा बाहर का नज़ारा, देखिए व्यू देखिए यहाँ से। और यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई थी, जिस फोटो से आप लोगों ने मुझे पूछा था कि अभी कौन सी जगह है, हम भी यहाँ जाना चाहते हैं। और ये देखिए यहाँ से पार्क दिखाई दे रहा है, और वो देखिए पीछे पार्क में अलग अलग पशुओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं।
स्केट खींच के आना। अच्छा, यहाँ पे जब हम बाहर आए तो यहाँ पे फर्श बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा था, हमारे पैर बहुत ज़्यादा जल रहे थे, इसलिए हमने फिर फटाफट शूज़ पहने और घूमने फिरने लग गए, देखने लग गए इधर उधर का नज़ारा और वीडियोस बनाने लग गए। और जब तक हमें भूख भी लग चुकी थी, और अच्छी बात यह है कि संडे को यहाँ पे भंडारा रहता है, तो हम लोग यहाँ पे चले गए थे। ये हम लोग वापसी की तरफ थे, हाँ ये यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे भंडारा लगता है, थोड़ी नीचे आके जगह है, बहुत बड़ा मंदिर है ये। और यहाँ पर फिर हमने भंडारा अच्छे से खाया, इंजॉय किया। भंडारे में हमने खाए थे चावल, कड़ी और दाल, जो कि बहुत अच्छा बना हुआ था। भगवान का लंगर हो तो हमेशा ही अच्छा ही होता है, चाहे गुरुद्वारे में हो चाहे मंदिर में हो, हर जगह स्वाद ही मिलता है। तो फिर यहाँ पे हम फिर खाना खुना खा के अच्छा, यहाँ पे भंडारे में थोड़ी सी वेटिंग थी क्योंकि बहुत लोग पहुँच चुके थे वहाँ पे, तो हम वेटिंग टाइम पे यूवी जो है इधर उधर भाग रहा था, तो मैंने ये वीडियो बनाई। फिर देखिए कितना अच्छा व्यू है साइड से और कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ। और ये साइड में जो चुनरी लेके चल रही है, माँ और बेटी हैं, इनकी बेटी को धूप लग रही थी, तो इनसे हम वापसी का रास्ता पूछ के हम बाहर की तरफ आ गए थे। और ये देखिए तो छोटू सा है, इसको देख के यूवी हंस रहा था, इसको बहू बहू बोल रहा था। मोहिशक्ति पार्क हम लोग ने 3-4 बजे तक कम्प्लीट कर लिया था, तो हमने सोचा कि इतनी आगे तक आए हुए हैं, दूर तक आए हुए हैं सोलन में, तो हम कहीं और भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सुना हुआ था कि यहाँ पे महादेव जी का बहुत अच्छा मंदिर है, चटोली महादेव करके है, और हमने सोचा कि यहाँ भी चले जाएं क्योंकि फिर बार बार आने का प्लान तो बनता नहीं है। तो हम लोग फिर पहुँच गए चटोली महादेव, जो कि बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन हमें पहुँचने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि रास्ता जो था थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था और लोग अच्छे से बता भी नहीं रहे थे। एक आदमी से हमने पूछा, आई थिंक वो शायद पी के रखा था या कुछ ऐसा था, तो उसने हमें गलत रास्ते पे आगे पहुँचा दिया था, और गूगल मैप्स भी अच्छी तरह से नहीं चल रहे थे, तो इसलिए फिर हम थोड़ा भटक गए थे, लेकिन फिर भी हम टाइम से पहुँच गए थे। और अंदर पहुँच के जब हमने देखा तो दर्शनों के लिए लाइन लगी हुई थी, तो हम भी यहाँ पर लाइन में लग गए। और ये देखिए यहाँ पे भूत बनाए हुए हैं, भगवान शिव के सारे भूत गण हैं, और ये नंदी गण हैं, ये सब लोग हैं यहाँ पे मंदिर के बिल्कुल सामने। और ये देखिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ पे दर्शनों के लिए। और पीछे हमारे लाइन में एक छोटी सी गुड़िया थी यूवी की एज की, और ये दोनों हंस रहे थे, खेल रहे थे, बड़ा इंजॉय कर रहे थे। तो ये देखिए ये गुड़िया आपको अभी दिखाई दी होगी यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए, और मज़े की बात ये है कि जो ये मंदिर है ये एशिया का टॉलेस्ट शिव मंदिर है, मतलब एशिया में जितने भी शिव मंदिर हैं उनसे सबसे लंबा ये शिव मंदिर है, और ये बहुत प्यारा है। और ठंडक भी यहाँ पे बहुत थी और मौसम भी बड़ा अच्छा था यहाँ पे। वहाँ पे जब हम मोहन शक्ति पार्क में थे वहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत ही प्यारा था। और ये मंदिर जो है किसी बाबा का बनाया हुआ, जैसे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त होंगे तो उनका बनाया हुआ। अच्छा, ये मूर्ति किन की है आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा, यहाँ पे नीचे मेंशन नहीं था। और ये जो मंदिर है ये सोलन के चटोली गांव में पड़ता है, बहुत ही फेमस मंदिर है चटोली महादेव। अगर आप जाएं तो किसी से भी पूछ सकते हैं या गूगल पे आपको मिल जाएगा आसानी से। सोलन शहर से आगे होते हैं, सोलन की मेन मार्केट से आगे हैं जाके वहाँ पे है। और यहाँ पर दर्शनों के अलावा, मंदिर के दर्शनों के अलावा एक दो और जगह भी थी जहाँ पर हम नहीं जा पाए क्योंकि हमने फिर वापस भी पहुँचना था, और युवराज के साथ फिर हमें लेट होने का डर होता है। और देखिए यहाँ से व्यू कितना ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही सुंदर व्यू था, और रश भी इतना ज़्यादा था क्योंकि संडे था, और नीचे जो था रास्ता भी थोड़ा ख़राब हो चुका था यहाँ तक हमारी गाड़ी पहुँची थी। तो उसके बाद हमने दर्शन किए और ये हम चल पड़े वापस। और यूवी देखो अपने पापा के सर पे चढ़ गया है कैसे, क्योंकि इसको उठाना सीढ़ियों में मुश्किल होता है, और सीढ़ियाँ इसको उतरवाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि अपनी कमर दर्द हो जाती है जब भी सीढ़ियाँ उतरता है। तो वो सब ठीक है, लेकिन आज का दिन जो ये संडे था बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही निकला, बहुत ही सोलफुल, मतलब बिल्कुल जाना हमारा जो था वो बिल्कुल बेकार नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे और यूवी को भी और यूवी को पापा को भी। और यहाँ पे वापसी के वक्त एक रूफटॉप में हम लोग रुक गए थे चाय पीने के लिए, और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी और मेरा सर दर्द हो रहा था, तो इसीलिए हम यहीं पर ब्लॉग ख़त्म करती क्योंकि सर दर्द हो गया।